So I'm here at Glenery's for breakfast, and today I'm going to try some sandwich, hot chocolate and sizzle drizzle brownie. अगर आप ये सोच के ग्लेनरीज को मिस करने वाले हैं कि आप वेजिटेरियन हैं, तो आप गलत होंगे। ग्लेनरीज में वेज फूड, वेज ब्रेकफास्ट भी ऑसम है। माउथ वाटरिंग सैंडविच एंड हॉट चॉकलेट। एक्चुअली हॉट चॉकलेट मस्ट ट्राई है, ऑसम है। चलिए मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद फिर से अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ऐसा
बहुत टफ है। ये जो कारपेट हम खरीदते हैं, ये एक कारपेट बनने में 2 से 3 महीना लग जाते हैं। कितने सारे मेहनत रहते हैं इन सब के। हम अभी है टिबेटियन रिफ्यूजी कैंप में। कारपेट बनाता है। मुझसे तो नहीं हो पाएगा। ट्रेनिंग में 6 महीना लगता है। ट्रेनिंग में इधर ट्रेनिंग देते हैं। ट्राई किया नहीं हो पाया। मैं अभी हूँ टिबेटियन रिफ्यूजी सेंटर में। ये 1959 में एस्टैब्लिश हुआ था। वैसे बहुत कम लोग हैं जो लोग दार्जिलिंग आते हैं और ये प्लेस विज़िट करते हैं, और अगर आते भी हैं तो हमारे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स इनका वीडियो लेके, फुटेज लेके यहाँ से निकल जाते हैं। ये लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ से कुछ खरीद के जाइए। आपका एक परचेस इनके लिए बहुत हेल्पफुल है। शायद आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ भी एक आइटम अगर आप परचेस करते हैं यहाँ से, इनके लिए एक बहुत बड़ा खुशी रहेगा ये। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा व्यूअर्स से, अगर आप लोग दार्जिलिंग आ रहे हैं तो एक बार टिबेटियन रिफ्यूजी कैंप आइए, और अगर आपका मन करे, सही में अच्छा लगे यहाँ पे आके आपको, तो प्लीज़ यहाँ से कुछ खरीदिए। थैंक यू। आज टिबेटियन रिफ्यूजी कैंप से निकल के मेरा प्लान था हैप्पी टी वाली एस्टेट कवर करना एंड बाताशिया लूप जाना, जापनीज टेम्पल जाना, घूम मोनास्ट्री जाना, लेकिन इनमें से एक भी नहीं हो पाया है सैडली। क्योंकि मेरा एक बुरा आदत है, मैं एक्साइटमेंट में दौड़ती रहती हूँ और उस चक्कर में मेरा एंकल ट्विस्ट हो जाता है। तो आज जब टिबेटियन रिफ्यूजी कैंप से मैं उतर रही थी, मुझे एक बहुत ही अच्छा व्यू दिखा और मैं अपना कैमरा लेके दौड़ के नीचे जा रही थी, उस चक्कर में मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया। और इनिशियली तो समझ में नहीं आया, स्लोली पैर स्वेल हो गया और इतना ज़्यादा, इतना सीवियर पेन हो रहा था, मुझे नहीं लगा कि मैं और एक कदम भी मैं चल सकती हूँ। तो मैं अपने होटल आ गई, आके पूरा सो गई थी। जस्ट 8:30 के आसपास उठी हूँ। उठने के बाद अभी डिनर करने आई हूँ। कल मुझे चेकआउट करना है यहाँ से। कल यहाँ से चेकआउट करके मैं कर्शियंग जा रही हूँ। मेरा प्लान है, देखते हैं, अगर पॉसिबल हुआ आज जो जो कवर नहीं कर पाई, अगर पॉसिबल हुआ तो कल मैं कवर करूँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। अगर नहीं कर पाई, मेरा एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए वीडियो का, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में डिटेल में सारे चीज़ें लिखा हुआ रहता है। तो अगर मेरे वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको डिस्क्रिप्शन में वो सारे चीज़ें मिल जाएगा, जिससे आप इजी ट्रैवल कर सकते हैं। सूप ठंडा हो रहा है, सूप पीते हुए मैं बात करती हूँ। सूप अच्छा है। मैंने वेज हॉट एंड शावर ऑर्डर किया था। थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर, तो फिर से कंटिन्यू करते हैं अपने कन्वर्सेशन को। पता नहीं क्यों मेरा आज का डे सही नहीं था। मुझे आज सुबह कैवेंटर्स में ब्रेकफास्ट करना था, जो मैं कर नहीं पाई। कैवेंटर्स थर्सडे को बंद रहता है, ये और एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे नहीं पता था। बहुत सारे वीडियोस में कैवेंटर्स और ग्लेनरीज दिखाए गए हैं ब्रेकफास्ट पॉइंट, लेकिन ये नहीं बताया किसी ने कि थर्सडे कैवेंटर्स बंद रहता है। अगर मेरे जैसा कोई बोल देते ना, मैं भी नहीं प्लान करती थर्सडे दार्जिलिंग।
जो भी है आपको तो पता चल गया ना, तो आप थर्सडे मत प्लान कीजिए अगर केविंटर्स जाना है तो। दूसरा चीज़ है, मुझे कुंगा में लंच करना था, एंकल ट्विस्ट होने के वजह से वो भी नहीं हो पाया। फाइनली क्या बताऊँ, दिन ही मनहूस था। जो भी है ख़त्म अच्छे से कर पाऊँगी तो अच्छा है, ऐसा माना जाता है। डिनर तो मैं अच्छे से कर रही हूँ वायसराय में, देखते हैं कल सुबह अगर मैं मेरे जो भी पेंडिंग चीज़ें थे अगर वो फुलफ़िल कर पाती हूँ तो। और कुछ नहीं, मुझे बहुत खुशी होगा क्योंकि मैंने एक टू डू लिस्ट सेट किया था दार्जिलिंग आके मुझे क्या क्या करना है। ठीक है, सूप को बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करती हूँ, जल्दी जल्दी सूप ख़त्म कर लेती हूँ, अपना डिनर ख़त्म करती हूँ। बाकी बातें बाद में होंगे। हॉट एंड सावर सूप के बाद मैं अभी ट्राई कर रही हूँ वेज फ्राइड राइस एंड चिली पनीर। अगर आप मेरे पहले के वीडियोस देख चुके हैं तो आपको पता होगा मुझे चाइनीज़ कितना पसंद है, स्पेशली वेज फ्राइड राइस और चिली पनीर। देखते हैं यहाँ का खाना कैसा है। टेस्ट अच्छा है, चिली पनीर बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है और ब्लैंड भी नहीं है, एक सटल टेस्ट है, अच्छा है, मुझे तो पसंद आया। मैं अभी जर्नी कर रही हूँ आदित्य के साथ। आदित्य के साथ शिलीगुड़ी से ही मैं दार्जिलिंग आई थी और आज निकलते वक्त आदित्य मुझे फिर से टैक्सी स्टैंड में मिल गया, तो बात करके हम फिर से साथ में जर्नी कर रहे हैं। अच्छा, शिलीगुड़ी से अगर आप दार्जिलिंग आते हैं या कार्शियंग आते हैं या दार्जिलिंग से जब आप एयरपोर्ट या स्टेशन के लिए जाते हैं, उसका प्राइस बहुत सारे वीडियोस में बोला गया है 1800 या 2000 या 2500। मैं ऐसा कुछ मेंशन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आदित्य से पता चला, वो ये है कि ये पूरा डिपेंड करता है सीज़न और ऑफ सीज़न के ऊपर। वो छोड़ के भी पकड़ लीजिए कोई दार्जिलिंग का गाड़ी शिलीगुड़ी गया है ड्रॉप करने, उसके बाद उसको अगर वापस आना है, बुकिंग नहीं मिल रहा है, तो आपको एक प्राइस मिलेगा। लेकिन अगर जस्ट इंडिविजुअली आपके लिए वो गाड़ी गया है और वहाँ से उसको नेक्स्ट कुछ बुकिंग नहीं मिलेगा, तो उसका प्राइस कम्प्लीटली अलग होते हैं। तो ये प्राइस को अगर आप वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कुछ और वीडियो में जो प्राइस बोला गया है उसको मैच करके अगर आप प्लान करने की कोशिश करेंगे, तो सच में वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि इन लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये प्राइस अप डाउन। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमने वीडियो में सुने हैं 1800 लेते हैं 2000 लेते हैं, तो उतने में ही चलिए, तो ये शायद सही नहीं है। बार्गेन तो करना है डेफिनेटली, जैसे ही आप आए बार्गेन कीजिए, अपना सही रेट पे समझ के चलिए। दूसरा चीज़ है, इनका वे ऑफ लिविंग भी इसके ऊपर बेस करके है, और डीजल पेट्रोल का जिस तरीके से प्राइस बढ़ गया है, तो जैसा आप अपना पॉकेट देखेंगे, जो भी ड्राइवर आपको लेके जा रहा है, थोड़ा सा उनके बारे में सोचिए,
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्चुअली मेरा स्टाइल ऑफ ट्रैवलिंग तो यही है, मुझे भी हैप्पी रहना है और जो मुझे लेके जा रहे हैं वो भी हैप्पी रहना चाहिए, तभी मेरा ट्रिप सक्सेसफुल होगा। भले ही थोड़ा ज़्यादा खर्चा हो जाए लेकिन किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ है, आदित्य से बात करके एक मज़ेदार चीज़ पता चला। बहुत सारे तो जब मैं सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग आ रही थी, आदित्य ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, तो मुझे लगा मैं तो बहुत ज़्यादा बात करने वाली हूँ, मैं बात किए जा रही हूँ, आदित्य एक दो रिप्लाई दे रहा था, तो मुझे लगा था ऐसा क्यों है। फिर अभी बात करते हुए मुझे समझ में आया, आदित्य बोल रहा है बहुत सारे पैसेंजर आते हैं मैडम, बात करते हैं फ्रेंडली हो जाते हैं, उसके बाद 200-500 कम दे के चले जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अब आइए दोस्त बनाइए, लेकिन 200-500 कम मत दीजिए, इससे इनको मुश्किल हो जाते हैं। तो ये पॉइंट मैंने बोल दिया। तो ये था आज का मेरा ज्ञान का भंडार जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ। वैसे आप सब लोग बहुत समझदार हैं, आपको पता है क्या करना है। मैं कितना भी ज्ञान दूँ, आपको जो करना है आप वही करेंगे। फिर भी मैं ऐसे ऐसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू। जर्नी बहुत मज़ेदार चल रहा है, आदित्य के वजह से हम लोग बहुत सारे बातें कर रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं, टूरिस्ट को लेके बात चल रहा है, दार्जिलिंग के बारे में बात चल रहा है, क्लाइमेट को लेके बात चल रहा है। ऐसे ही सफ़र हसीन हो गया है, ऐसे ही हंसते खेलते हम लोग कर्शन के तरफ जा रहे हैं। देखते हैं आगे हम कहाँ पे रुकते हैं, तो फिर से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे। तो अभी मैं हूँ सामतेन चोलिंग मॉनेस्ट्री के सामने, कर्शन जाते हुए यहाँ पे रुकी हूँ थोड़े देर के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था, इसके ऊपर एक्चुअली एक ओल्ड मॉनेस्ट्री है, लेकिन वहाँ पे जाना आज के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उसका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अगर आप लोग भी वहाँ पर जाना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिए। मैं अभी हूँ वर्ल्ड्स हाईएस्ट हेरिटेज रेलवे स्टेशन घूम पे। अगर आप दार्जिलिंग आते हैं तो घूम स्टेशन आना अनिवार्य है। इतना अच्छा लगा यहाँ पे आके। टॉय ट्रेन का राइड तो मैं नहीं किया हूँ, लेकिन ये स्टेशन आके मुझे ऑसम लग रहा है, इसीलिए मैं बोलती हूँ आई लव माय वेस्ट बंगाल। चलिए आगे देखते हैं और कहाँ कहाँ पे हम जाते हैं साथ में और क्या क्या मैं आपको दिखा पाती हूँ। मैं फिर से बता रही हूँ, आप जब भी वीडियो देखेंगे डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलिए। शायद कुछ मैं वीडियो में दिखाना मिस कर सकती हूँ, लेकिन डिस्क्रिप्शन में वो सारे इन्फॉर्मेशन रहेगा जो आपको ट्रैवल में हेल्प करेगा।
थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।